दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोस देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज 8.1 को कैसे फास्ट किया जाता है, और अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 10 यूज करते हैं तब भी ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में कई सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी आपको जो आपके विंडोज 7 और 10 में भी काम आएंगी, उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपका वो कंप्यूटर भी फास्ट होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए, मैं यहाँ पे जो कुछ सेटिंग बताऊंगा आपको कंप्यूटर फास्ट करने के लिए, उसको आप 19-20 ऊपर नीचे कर देंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ एक आध सेटिंग ऐसे भी होंगे जिन्हें अगर ऊपर नीचे कर दिया तो कंप्यूटर में आपके काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो सकता है। और इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने कंप्यूटर का, अपने विंडोज़ का पहले से बैकअप लेके रख लें, ताकि आगे चल के अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बैकअप वाले का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं। और ये विंडोज़ का बैकअप कैसे लेते हैं, इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा। चलिए फिर देर किस बात की, चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने विंडोज़ की सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे कुछ फर्जी चीज़ों को ऑफ करेंगे, सर्च एंड ऐप्स में आ जाइए, सर्च हिस्ट्री के नीचे ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लियर कर देंगे। ये कोई काम की सेटिंग नहीं थी, इसे हमने क्लियर कर दिया है तो कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखिए यूज बिंग टू सर्च ऑनलाइन, ऑनलाइन सर्च करने के लिए बिंग का यूज आज के ज़माने में मेरे को तो नहीं लगता कोई करता होगा, शायद आप भी ना करते हो, इसलिए मैंने इसे तो पहले से ही ऑफ कर रखा है, आप भी नहीं करते तो इसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में कई छोटी छोटी चीज़ों से स्पीड पे फर्क पड़ता है। ऐसे भी हम कई सारी चीज करेंगे, देखते रहिए। अब नोटिफिकेशन पे आ जाइए, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है सो ऐप नोटिफिकेशन, इसको तो ऑन रहने देंगे, हमारे कंप्यूटर में कुछ जो प्रोग्राम होते हैं उनकी नोटिफिकेशन वगैरह दिखाता है। बाकी ये जो लॉक स्क्रीन वाला है नीचे, इसको ऑफ कर देंगे, मुझे नहीं लगता लॉक स्क्रीन पे सबको नोटिफिकेशन की जरूरत रहती होगी, इसकी वजह से कंप्यूटर को फर्जी दिमाग लगाना पड़ता है और सुस्ती फैलती है। और नीचे ये देखिए IZ कॉल, इसको भी ऑफ कर दीजिए, लेकिन अगर आप ये कॉल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो चालू रहने दीजिए। थोड़ा और नीचे करेंगे, यहाँ पे काफी सारे ऐप्स की लिस्ट दिखेगी और लगभग सभी ऐप्स नोटिफिकेशन के लिए ऑन होंगे। आप जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें ऑफ कर देंगे, जैसे कि मैं कंप्यूटर में अलार्म का यूज़ नहीं करता हूँ, इसको ऑफ कर दिया, और फूड एंड ड्रिंक इसका भी नहीं यूज करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका भी नहीं यूज करता हूँ, मेल का भी नहीं यूज करता हूँ, मनी का भी नहीं यूज करता हूँ। इसके बाद आ जाइए ऐप साइज के ऊपर, यहाँ पे आपको कई सारे ऐप्स दिखेंगे, आपको करना क्या है, जिन ऐप्स का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें सिलेक्ट करना है और अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि मैं ये मनी वाला जो ऐप्स है विंडोज 8 में, इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो अनइंस्टॉल कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने कुछ ही ऐप्स बचाए हैं, बाकी के जो ऐप्स थे उन्हें डिलीट कर दिया है। अभी सेटिंग से बाहर निकलेंगे, प्राइवेसी पे आ जाएंगे, यहाँ पहले वाले को ऑन रहने देंगे और बाकी को ऑफ कर देंगे। मैं बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला है, ये जो दूसरे नंबर का है, एडवर्टाइजिंग ID के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आपको जो एड्स दिखा रहे हैं वो किस हिसाब से दिखाए जाएंगे, आप जो जो चीज़, यानी कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर दिखाए जाते हैं, तो इन सब की जरूरत नहीं है, इनकी वजह से कंप्यूटर को फर्जी दिमाग लगाना पड़ता है। इसी तरह से नीचे सारे हैं, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया है। इसके बाद लोकेशन पे आ जाइए, अब देखिए लोकेशन का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग मोबाइल में करते हैं, कंप्यूटर में कौन करता है लोकेशन का इस्तेमाल, अगर आप लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं इधर उधर ले जाते हैं तो इसे चालू रख सकते हैं, लेकिन अब कंप्यूटर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में लोकेशन की क्या ज़रूरत। उसी तरह नीचे आ जाइए वेबकैम के ऊपर, वेबकैम देखिए अभी हमारा ऑन है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और कुछ नीचे ऐप्स की लिस्ट दिखेगी, यानी कि कुछ ऐप्स को अलाउ कर सकते हैं वेबकैम इस्तेमाल करने के लिए और कुछ ऐप्स को मना कर सकते हैं, मैंने तो फिलहाल परमानेंटली बंद कर दिया है। उसी तरह से नीचे आ जाइए माइक्रोफोन पे, तो माइक्रोफोन तो ज़्यादातर यूज होता ही रहता है, अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इसे भी बंद कर देना। अब यहाँ पे हमारी लगभग सारी सेटिंग हो गई है, हम कंट्रोल पैनल में आएंगे, कंट्रोल पैनल में भी कुछ देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल आ गए, कंट्रोल पैनल में पावर मैनेजमेंट में आ जाइए, यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस करके प्लान दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, ये देखिए नीचे छुपा हुआ था, इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब इससे ऐसा होगा ना कि आपका कंप्यूटर जो है हाई परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेगा, यानी कि CPU और आपका ग्राफिक्स कार्ड रैम वगैरह सब हाई परफॉर्मेंस पे अच्छे से काम करेगी बिना कंजूसी के। लेकिन एक बात और, अगर आप लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं और बैटरी पे यूज करते हैं तो जब बैटरी पे यूज करिएगा तो बैलेंस वाले पे ही सेलेक्ट करके यूज करिएगा, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस पे यूज करने से कंप्यूटर आपकी बिजली की खपत जो ज़्यादा करेगा। अगली सेटिंग में हम कंप्यूटर के उन फालतू के प्रोग्राम को बंद करेंगे जो कंप्यूटर चालू होने के साथ साथ खुद भी चालू हो जाते हैं, और इसी वजह से शुरुआत में ही कंप्यूटर स्लो हो जाता है और पूरा स्लो स्लो ही चलते ही रहता है। इसके लिए दोबारा से स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखिए MS Config और इसे ओपन कर लीजिए।
सर्विस टैब में आ जाएंगे। नीचे देखिए हाई डाल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस दिख रहा है, इसके ऊपर मार्क लगाएंगे। इससे यह होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, यानी कि जो हमारे विंडोज की पर्सनल चीज़ हैं, वो चीज़ यहाँ से हट गई हैं। अब जो फालतू चीज़ है वो यहाँ पर दिखेंगी। फालतू चीज़ में जैसे कि यहाँ पर मेरे को क्रोम दिखा है, क्रोम वगैरह को मैं नहीं चाहता हूँ कि कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट हो खुद भी चालू हो जाए। और एक बात और, मेरे कंप्यूटर में भी बहुत कम ऐप्स वगैरह डले हुए हैं। आपके कंप्यूटर में अगर ज़्यादा ऐप्स डले होंगे तो उनके भी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। अब उन ऐप्स में से मार्क हटा दीजिए जिन ऐप्स को आप चाहते हैं कि कंप्यूटर चालू होते ही ये ना चालू हुआ करें, और मार्क हटाने के बाद अप्लाई करेंगे। ऊपर देखिए जिनको हमने मार्क हटा के अप्लाई किया है वो सब डिसेबल हो गए हैं, और डिसेबल की डेट वगैरह यहाँ पे आ गई है। एक बात और, यहाँ पे आप उन ऐप्स को डिसेबल मत करिएगा जिनका नाम आप नहीं जानते हैं। अब स्टार्टअप टाइम में आ जाएंगे, ओपन टास्क मैनेजर है, इसके ऊपर क्लिक करिए, मोड डिटेल में आएंगे और स्टार्टअप पे आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे कंप्यूटर में कोई ज़्यादा प्रोग्राम अभी इंस्टॉल नहीं है, इसलिए अब मैं अपने दूसरे वाले कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, उन ऐप्स को डिसेबल कर देना है जिन ऐप्स को आप नहीं चाहते कि कंप्यूटर चालू होते ही ये भी चालू हो जाया करें, और चालू होते ही ये भी चालू हो जाते हैं तो इससे क्या दिक्कत होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये भी साथ में चालू होते हैं और इनकी वजह से कंप्यूटर स्लो चल जाता है। और यहाँ पे भी आप उन्हीं ऐप्स को डिसेबल करिएगा जिन ऐप्स को आप पहचानते हों अच्छे से, जिनको नहीं पहचानते उनको छोड़ दीजिएगा। अब हम कंप्यूटर से कुछ ऐसे ऐप्स की सफाई करेंगे जिनकी कंप्यूटर में अभी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दोबारा से कंट्रोल पैनल पर आ जाएंगे, प्रोग्राम एंड फीचर में आ जाइए। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और अनइंस्टॉल कर दूँगा। फिर ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा अनइंस्टॉल करना है यहाँ या नहीं, और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए आएगा। और अनइंस्टॉल होने के बाद तो आपको मालूम ही है हमारे कंप्यूटर की थोड़ी और सफाई होगी जिससे और भी फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी उन्हीं ऐप्स को आप अनइंस्टॉल करिए जिन ऐप्स का आप नाम जानते हों, जिन ऐप्स को पहचानते हों, क्योंकि यहाँ पे आपके कंप्यूटर के ड्राइवर भी दिखेंगे और कुछ ज़रूरी ऐप्स भी होंगे, उनको अनइंस्टॉल कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कन्फर्म नहीं है तो सिर्फ उन्हीं को अनइंस्टॉल करना जिनका नाम आप पहचानते हों। अब जैसे कि आप कंप्यूटर में ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो ब्राउज़र का भी डाटा क्लियर करते रहना चाहिए 4-6 महीने बाद, क्योंकि ब्राउज़र की वजह से कंप्यूटर की स्पीड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ब्राउज़र काफ़ी लोड लेता है और अगर ब्राउज़र में ही कचड़ा मच जाएगा तमाम सारा तो उसकी वजह से कंप्यूटर तो स्लो चलेगा ही चलेगा। और ब्राउज़र का डाटा डिलीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन दबाइए। ये वाली कमांड लगभग आपके हर एक ब्राउज़र में काम करेगी, चाहे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो या इंटरनेट का एक्सप्लोरर हो। अभी जैसे कि हम क्रोम पे हैं तो एडवांस में आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे टाइम रेंज के बारे में पूछ रहा है कि आप कितने देर पहले का सब डाटा डिलीट करना चाहते हो। अब ये कुछ सेटिंग है आपको हर एक ब्राउज़र में मिलेंगे, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये ब्राउजिंग हिस्ट्री पे मार्क लगा हुआ है तो ये तो वही है कि आप किस वेबसाइट पे गए किस पे नहीं, इसको डिलीट करना ज़रूरी भी है तो इस पे मार्क लगा रहने देंगे। और डाउनलोड हिस्ट्री पे भी मार्क लगा रहने देंगे। कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, इस पे भी मार्क लगा रहने दीजिए। ये मतलब वो है जो कुछ वेबसाइट ओपन होती है ना उनका डाटा आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। इसी तरह से मैं सब पे मार्क लगा देता हूँ, बस दो चीज़ पे मैंने मार्क नहीं लगाया है, जिसमें से पहला है पासवर्ड एंड साइन इन डाटा। इसका मतलब यह है जैसे कि हम कई सारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन करते हैं और फिर जब दोबारा जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि ब्राउज़र अपने आप ही यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह डाल देता है। वो इसीलिए होता है कि ब्राउज़र ने हमारा पासवर्ड और यूज़र आईडी सेव कर लिया होता है। अगर आप चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं। और जो ऑटोफिल है मैंने इसको भी छोड़ दिया है। ऑटोफिल का मतलब जैसे कि कई सारी वेबसाइटों पे कुछ फॉर्म वगैरह नहीं आते हैं नाम डालने के लिए, नंबर डालने के लिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह डालने के लिए, वहाँ पे आप देखते होंगे कि वो सब डाटा अपने आप फिल हो जाता है कई बार, तो अगर आप चाहते हो कि वो भी डिलीट हो जाए तो इस पे भी मार्क लगा देंगे। चलिए मैं सब पे ही लगा देता हूँ और क्लियर कर दिया। अब हम अपने कंप्यूटर के DNS को क्लीन करेंगे। ये DNS क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का मेन हिस्सा है। इसको क्लियर करने से क्या फ़ायदा हुआ कि कई बार आप देखते होंगे ना कि कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होने के बाद भी नेट नहीं चलता है, तो वो सब समस्या ठीक हो जाएगी। और फास्ट तो हो गई होगा वो अलग बात है। इसके लिए दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, लिखिए CAMD और कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्टर, यस के लिए ऑप्शन आएगा यस कर देंगे। यहाँ पे लिखिए IP config /FlushDNS, एंटर किया
सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी कि हमारा काम हो गया है। अब हम करेंगे डिस्क क्लीनअप, जो हमारी विंडोज वाली डिस्क को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक रहता है। यहाँ पे जो लोकल डिस्क सी है जिसके अंदर आपका विंडोज इंस्टॉल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, डिस्क क्लीनअप दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करिए। वैसे कई लोग इस ऑप्शन के बारे में पहले जानते होंगे, फिर भी बताना अच्छा रहता है ताकि कोई नया साथी हो उन्हें भी पता चले। अब क्लीनअप सिस्टम फाइल इसके ऊपर भी क्लिक करिए, फिर से एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे सब चीज़ पे मार्क लगा देंगे। देखिए ज़रा, हमने रिसाइकिल बिन पे भी मार्क लगा दिया है, मतलब अगर रिसाइकिल बिन में आपका कोई डाटा वगैरह पड़ा है जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो, तो वापस ले लीजिए, या इस पे से आप चाहें तो मार्क छोड़ सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो हमारे कंप्यूटर की कुछ फर्जी फाइलें थी, कचड़ा फाइलें, वो डिलीट हो जाएगी। कचड़ा फाइलें किस तरह की, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि हमने मान चलिए ये क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, इसको यूज किया आधे घंटे तक, तो जब तक ये आपके कंप्यूटर में ओपन था, इसके पीछे इसकी कई सारी फाइलें बनती हैं, एक दो पचासों हजारों की क्वांटिटी में हो सकती हैं वो। और जब हम इसे बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद उन फाइलों की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर जब दोबारा ओपन करते हैं, फिर से नए तरीके से फाइलें बनने लगती हैं। इसी तरह से धीरे धीरे कर करके हमारे कंप्यूटर में कचड़ा जमा हो जाता है, जिसे हमें समय समय पर डिलीट कर देना चाहिए। समय समय का मतलब हर एक घंटे, दो चार घंटे, हर दूसरे दिन पर ना करें, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, चार महीने में एक बार कर सकते हैं आप यूजेज के हिसाब से। बहुत ज़्यादा दिन भर यूज करते हैं तो महीने में एक बार करिएगा, बहुत कम ही यूज करते हैं तो चार छः महीने में कर सकते हैं ये काम। अब ओके पे क्लिक करेंगे, डिलीट फाइल। इसी तरह से आपके कंप्यूटर की जो बाकी की भी डिस्क हैं उनके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे और डिस्क क्लीनअप पे आइए, जो कचड़ा फाइलें होंगे उनको भी डिलीट कर देना है। अब कचड़ा फाइलों से एक चीज़ और याद आया कि कंप्यूटर में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे और भी कई फर्जी का सामान इकट्ठा होते रहता है। जैसे कि ये मैंने कंप्यूटर खोला, सी डिस्क में आ जाते हैं, विंडोज फोल्डर में आ गए, यहाँ पे एस बटन दबाइए, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, इसके अंदर एक डाउनलोड का फोल्डर दिखेगा और फिर यहाँ पे जितनी भी फाइलें होंगी सबको शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा के परमानेंटली डिलीट कर देंगे। विंडोज प्लस आर बटन दबाइए, कुछ फाइलें और डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखे प्रीफिच और एंटर कर देंगे, कंटिन्यू के लिए आएगा कंटिन्यू, कंट्रोल ऐसे सबको सिलेक्ट आर कर लेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे और यस, अगर कुछ स्किप के लिए आएगा तो स्किप कर देंगे। दोबारा से विंडोज प्लस आर बटन दबाइए, यहाँ पे लिखेंगे टेम्प, फिर से एंटर कर दिया, कंटिन्यू, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्लस डिलीट, यस, मार्क लगा दिया, कंटिन्यू, ट्राई अगेन के लिए आएगा तो मार्क लगा के स्किप कर देंगे। मतलब कि ये वो फाइलें हैं जिन फाइलों का इस्तेमाल अभी आपके कंप्यूटर में हो रहा है, इसीलिए ये डिलीट नहीं हो रही हैं। क्लोज कर दिया, फिर से विंडोज प्लस आर बटन दबाया, इस बार जो हमने टेम्प लिखा था इसके आगे पीछे परसेंट का निशान लगा देंगे। ओहो गड़बड़ हो गई, ये लगाया परसेंट का निशान, ओके, यहाँ पे भी कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट आल करके शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाना है, फिर से बंद कर दिया इसे। अब इसी तरह से सी डिस्क में आइए, यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ अपडेट नाम का कोई फोल्डर वगैरह दिखता है तो उसे भी डिलीट कर देना। अब एक काम और रहता है, हम अपने कंप्यूटर का डिस्क डिफ्रेगमेंट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, उससे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सर्च पे आ गए, यहाँ लिखे डिफ्रेगमेंट और ये डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज, इसको ओपन करना है। यहाँ जितनी भी डिस्क हैं सबको इस तरह से माउस से सेलेक्ट करना है और ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है। मैंने अभी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा कंप्यूटर अभी SSD के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और SSD को डिफ्रेगमेंट नहीं किया जाता। बाकी अगर आप हार्ड डिस्क वगैरह यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसे डिफ्रेगमेंट कर लीजिएगा। और ये डिफ्रेगमेंट से होता क्या है कि जैसे कि मान चलिए हमारा घर है, सब सामान उलझा उलझा हुआ है, कोई जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा कि भैया ये वाला सामान ला के देना ज़रा, तो हमें अपने घर में ढूंढना पड़ेगा, वो देखो कहाँ रखा है ढूंढना पड़ेगा तमाम सारा। अगर सब सामान सेटिंग से रख देंगे तो जैसे हमें कोई कहा कि भैया ये सामान लाना है तो हम फटाक से ला के दे देंगे। इसी तरह से कंप्यूटर के डिस्क के भी साथ होता है। इस ऑप्शन को आप 4-6 महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। अब इतना ये सब कंप्लीट होने के बाद आप एक बार कंप्यूटर को शट डाउन करिएगा और दोबारा से चालू करना, आप देखेंगे कि स्पीड में कुछ बहुत फ़र्क आ गया है। अगर ना आया हो तो मैं एक जुगाड़ और बता देता हूँ। दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखेंगे और कंट्रोल पैनल में आ जाना है, सिस्टम में आएंगे, चेंज सेटिंग पे आ जाइए, एडवांस टैब पे आना है, परफॉर्मेंस,
हम करने क्या वाले हैं कि अपने कंप्यूटर का विजुअल इफेक्ट सब कुछ बंद करने वाले हैं। ये विजुअल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के किसी फोल्डर में कई सारे गाने और कई सारे फोटो वगैरह पड़ी हुई हैं, तो जैसे कि फ़ोटो खोलने से पहले ही हमें दिख जाता है कि इसके अंदर कौन सी फ़ोटो है। उसके लिए कंप्यूटर को दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और अगर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कमज़ोर हैं तो उसी चक्कर में कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो तभी इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इससे कंप्यूटर का कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन आपको देखने में थोड़ा अच्छा कम लगेगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे जितने भी मार्क लगे हुए हैं सबको एक एक करके हटा देंगे। अब स्मूथ एज वाले पे मार्क लगा देंगे, और ऊपर देखिए शैडो करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ ये वाला। वैसे आप चाहें तो एक एक करके सबको अप्लाई करके और यूज करके देख सकते हैं, वही घड़ी साबुन वाला पहले इस्तेमाल करें और विश्वास करें। यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन हैं, इससे आपको पता भी चल जाएगा कौन से वाला फंक्शन क्या काम करता है। आप ओके कर दिया, और इसमें निश्चिंत रहिएगा इस वाले ऑप्शन से आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 19-20 ऊपर नीचे भी कर दिया तो देखिए लगभग लगभग मैंने आपको हर एक सेटिंग बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कंप्यूटर फास्ट हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं हुआ है तो शायद आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे कंप्यूटर में, और हार्ड डिस्क से कंप्यूटर थोड़ा स्लो रहता ही रहता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर में SSD लगा लीजिए, और SSD के ऊपर अपना विंडोज़ इंस्टॉल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, लगभग 50 गुने ज़्यादा फास्ट हो गया है। और ये SSD और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे है, देख सकते हैं। और हाँ, SSD लेना तो एक 100-120 GB के आसपास की SSD आती है, उस साइज की SSD मत लेना, उससे ऊपर के साइज की कोई सी भी SSD आप ले सकते हो। वैसे मैं जल्द ही एक वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि SSD को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको SSD खरीदना चाहिए। एक सबसे ज़रूरी बात, और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों का कंप्यूटर इस वजह से स्लो होता है कि उनका कंप्यूटर का हार्डवेयर कमज़ोर होता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर उसके ऊपर से उन लोगों ने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर रखा होता है, और एंटीवायरस क्या करता है कि कमज़ोर हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की आधी ज़्यादा ताकत तो वो खुद ही यूज कर लेता है, और फिर थोड़ी सी पावर बचेगी उसमें कंप्यूटर क्या कद्दू चलेगा। और इस केस में आप कुछ भी कर लें आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, एंटीवायरस को कंप्यूटर से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप अपने आप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते तो आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। वैसे एंटीवायरस आपको यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा, काफी अच्छा वीडियो है। बस अब मैं आपसे यहीं पर चाहता हूँ, कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।